बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बमबारी हो रही है। गोलाबारी के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित स्वदेश वापस आने की भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन के टर्नोपिल में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया है। दो भारतीय छात्रों ने यह भी कहा है कि हम पढ़ाई के लिए यूक्रेन आए थे, हम सरकार और अपने दूतावास से हमें जल्द से जल्द भारत वापस ले जाने का अनुरोध किया जा रहा है। गुरुवार को 182 भारतीय नागरिकों को विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली पहुंचाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों की संख्या में भारतीय अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और देश के लोग इस समय काफी चिंतित हैं। यूक्रेन में ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कई छात्र डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और युद्ध शुरू होने के बाद से सरकार से लगातार वापसी की अपील कर रहे हैं। इसमें से दो छात्राएं भी हैं, जबलपुर की रहने वाली हैं, जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। जबलपुर के रहने वाले प्रवीण पाठक की बेटी रिया पाठक और इशिता ठाकुर यूक्रेन में फंसी हुई हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल भारत आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इधर यूक्रेन में बमबारी होने से छात्राओं के जो परिजन है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो यह आपको बता दें कि लगातार यूक्रेन में बमबारी हो रही है, लगातार हमला हो रहा है रूस के द्वारा और जो स्थितियां हैं वो काफी बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई हैं, विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।